अब वो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, तो आंकड़ों में तो आप भी 0.5% से सत्ता में आए, तो फिर छोड़ दीजिए सत्ता, यदि जनादेश है ही नहीं आपके पास में, यदि आप केवल प्रतिशत के आंकड़ों से हमें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के विग्रह से सरकार को, शासन को चलाने की विफलता के कारण, और मुझे लगता है कि उनके नाम से फिल्म बन सकती है कि गहलोत जी तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि पार्टी में विग्रह, सरकार में विग्रह आप रोज देखते हो। मैं ये देखता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या तो ट्विटर पे पार्टी चलाते हैं या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। अभी कई चीजों के जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर इन चुनाव में किसानों ने, नौजवानों ने भरपूर तरीके से पार्टी का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, क्योंकि ये किसानों की कर्जा माफी को लेकर सत्ता में आए थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता रोजगार के नाम पर आए थे। राजस्थान के ऐसे लाखों नौजवान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब भर्तियां निकालेगी, 2.5 लाख संविदा कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 की गिनती गिनी थी, अभी तक जवाब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, भैया तुम खुद गिरना चाह रहे हो, हमने ठेका लिया है क्या तुम्हें बचाने का, और उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। हम पर तोहमत लगाते थे बकरा मंडी और घोड़ा मंडी और पता नहीं क्या क्या, तो महेंद्र जीत मालविया का वीडियो बहुत कुछ कह रहा हूं, तो आपके अपने नेता है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान में किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ये तीन ऐसे मुद्दे थे मोटे तौर पर जिसके आधार पर राजस्थान की जनता में आक्रोश था, इस रूप में जनता ने वो आक्रोश व्यक्त किया।